चले मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट डे क्योंकि दुनिया भर की खबरों में कई चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े एक्सप्लेनेशन मांगती हैं और यूएस मार्केट बहुत सारी चीज़ों का इंतजार कर रहा है उस पर रिएक्ट करेगा लेकिन उससे पहले हमारा मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्शन दे रहा है नेगेटिव साइड में काफ़ी रिएक्शन दिया उसने मिड कैप में और पी में लेकिन इस बीच एक इवेंट हुआ था दिल्ली में एन का जहाँ अनुज गए थे संदीप टंडन से भी बातचीत हुई आपकी एन में आपको सम्मानित भी किया गया जी हाँ जी ये एक्चुअली लास्ट वीकेंड पे हुआ था वो एक तो हमारा जो चैनल को हमें समान दिया गया था तो ऑब्वियसली पहले हमने उसको प्रायोरिटी दी थी क्योंकि वो चैनल का था और उसमें नहीं। 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 पूरी टीम गई थी नहीं। नहीं। और उसके बाद ये अगले दिन मुझे उन्होंने फिर बुलाया था एज स्पेशल गेस्ट और तो मतलब बहुत बड़ी गैदरिंग थी वह एनमी मेरे ख्याल से अगर वो कैमरा अगर वो दिखाए दिखा सकते को तो पैन करके तो वो बहुत बड़ी गैदरिंग थी वहाँ पर करीब 500 लोगों का वो एक रूम था और वो पूरा भरा हुआ था और वहाँ पर काफ़ी जाने माने नाम थे और संदीप टंडन भी आए थे वहाँ पर तो वहाँ पे एक थोड़ा सा फैलिसिटेशन हुआ था और उसके बाद काफ़ी जो नॉर्मली थोड़ा सा आजकल बिकॉज हमारा थोड़ा सा मार्केट का कल्चर काफ़ी अच्छा हो गया तो वहाँ पर काफ़ी लोग थे जो थोड़ा सा जैसे सेल्फी वगैरह खिंचाने में लगे हुए थे तो वो काफ़ी एक अच्छा एक मतलब फ़ील गुड इवेंट था वहाँ पर जो हुआ था बेसिकली और ये मतलब लास्ट वीकेंड पर हुआ था उसकी हम ज़्यादा बात कर नहीं पाए थे क्योंकि उसके बाद मैं फिर जामनगर चला गया था और yeah. फिर वहीं से संडे को जामनगर निकल गया था उसके लिए उसके बाद हमने उस पर फोकस किया था लेकिन ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संदीप टंडन जो हैं वो आई थिंक इस समय सबसे सक्सेसफुल फंड मैनेजर है डोमेस्टिकली अगर आप फंड मैनेजमेंट की बात करें इस समय तो सबसे सक्सेसफुल फंड मैनेजर हैं 200 करोड़ के ए से उन्होंने स्टार्ट किया जब एस्कॉर्स म्यूचुअल फ़ंड लिया था और अब इसको तिरसठ हज़ार करोड़ के म्यूचुअल के ए तक वो लेकर आ गए हैं तो ये एक आ, मतलब आ, उनसे उनसे बेसिकली हमने बात की थी आ, तो ये एक अच्छा था मामला खैर भाई कंग्रेचुलेशन आपको अब तो धीरे धीरे पाइलप होता जा रहा है जो हाँ हाँ पाइलप ये होता जा रहा था कि वीकेंड भी पास आ रहा है hmm. सेलिब्रेशन के भी कितने सारे बहाने बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं <laughs> 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 ये, ये जो संदीप टंडन साहब से hmm. क्वांट म्यूचुअल फंड के टंडन साहब से जो बातचीत हुई उसका एक अंश दिखाते हुए टीजर भी दे देता हूं आपको दरअसल आज वो पूरी बातचीत सी पे और सुनने लायक है वो उसके अंश से आपको समझ में आ जाएगा कितना इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है आपको बुलाते है फंड हैं फंड मैनेजर्स पार्टी में पहले हम ब्रोकिंग करते थे <laughs> <करते> <laughs> तो क्योंकि आप एकदम तो उल्टा बोलते हैं ना जो बाकी फंड मैनेजर्स टीवी पे आके बोलते हैं

बट वट यू इज एक्चुअली लो रिस्क इंट्रा डे में पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है लॉन्ग टर्म में तो सब बन जाए जो अगर में पैसा बना सकता है, उसको आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए hmm. ये जो एंड में बात बोली ना इन्होंने yeah. वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि क्या होता है ना हमारे यहाँ पर ट्रेडर्स को एक कैसे समझा जाता है कि ये तो ट्रेडर है अरे मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ट्रेडर है hmm. आज की डेट में अगर ट्रेडर ना हो ना तो फंड मैनेजर को उसका प्राइस नहीं मिलेगा लिक्विडिटी नहीं होगी ना अगर ट्रेडर नहीं होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कैसे होगी ठीक है तो इसके लिए ये बहुत बिल्कुल सही बात कही और उन्होंने जैसे कहा कि लॉन्ग टर्म में तो हर कोई पैसा बना लेता है आपको बस अच्छे स्टॉक लेके बैठ जाना है ठीक है ऑब्वियसली कोई कम बनाता है कोई ज्यादा बनाता है लेकिन अगर आप टाइमिंग के साथ मार्केट में पैसा बना सकते हैं तो वो एक असली चीज़ है और इसके लिए मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कब आपको एंट्री करनी है कब आपको एग्जिट करनी है और एक चीज़ इंटरेस्टिंग होती है हर कोई जब भी हम बात करते हैं ना

20 साल पहले ये ले लिया होता तो 20 साल पहले वो जो आईटी बूम था उस समय पे उस समय की इतनी इतनी कंपनी आती आई टी की आ, उस समय जी एंटरटेनमेंट ले लिया होता तो ऐसे मतलब हज़ारों एग्जांपल मिल जाएंगे yes. वो कोई फंड मैनेजर नहीं देता क्योंकि वो उसमें फिर वो कहानी बिकती नहीं <laughs> तो इसके लिए देखिए मैं मतलब यहाँ पर एक सिंपल चीज़ कह रहा हूँ कि हर किसी का अपना स्टाइल हो रहा है मुझे जो संदीप की बात अच्छी लगती है ना वो ये कि यार मतलब ये मुझे फंड का बस ये काम नहीं है कि बाय एंड होल्ड बस टाइट ये नहीं होता थोड़ा सा आपको चर्न करना आना चाहिए पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो चर्निंग इंपॉर्टेंट है आ, एंट्री और एग्जिट इंपॉर्टेंट है अब जैसे वो बी एफ एस आई की जो हम बात कर रहा था वो क्यों मैंने पॉइंट रेज़ किया था बी एफ एस आई फंड जब रेज़ किया जब आया था जून में वहां से लेके बैंक निफ्टी दो परसेंट ऊपर है और उस पीरियड में चौंसठ परसेंट का रिटर्न मतलब हुँ. कोई मैं मैं खुद हैराम था मतलब मुझे पता नहीं था कितना रिटर्न आया होगा क्योंकि जब उन्होंने लॉन्च किया था तो मुझे लग रहा था कि आ, ये आप इस समय फंड लॉन्च कर रहे हो ये कहीं बहुत ज्यादा तो वो, 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 लेट नहीं हो गए अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पी फंड अब लॉन्च किया हुँ. जब हम सबको लग रहा है कि पीएसयू बहुत चल चुके हैं अब इन्होंने पीएस फंड लॉन्च किया और उनका कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे भी अब इसको आउट परफॉर्म करके दिखाएंगे खैर वो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है